हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स यानी कि होता क्या है, और फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है। तो रिस्क असेसमेंट यानी कि उसमें किसी काम को कंसीडर करके उस काम को आपको केयरफुल एग्जामिनेशन करना होता है, और उसमें देखना होता है कि उस काम करते वक्त उसमें कोई खतरा तो नहीं है या फिर उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस नुकसान से या फिर उस खतरे से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है ये हमें पता चल सके, और साथ ही में उस खतरे को या फिर नुकसान को हम प्रिवेंट कर सके। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो रिस्क असेसमेंट यानी कि किसी एक्टिविटी को पहले कंसीडर किया जाता है, और फिर उस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें हजार्ड्स क्या है, और फिर उस हजार्ड से होने वाले जो भी रिस्क है उसको फिर इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने के बाद हम जो है उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं एक एक्सेप्टेबल लेवल में। चलिए बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सीडेंट्स हो या फिर इल हेल्थ हो उसको प्रिवेंट करना। चलिए बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट के क्या 5 स्टेप्स है। तो उसमें पहला स्टेप आता है कि जो भी एक्टिविटी आपने कंसीडर की है उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस हजार्ड की वजह से किन लोगों को नुकसान हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जो है हमें रिस्क को इवैल्यूएट करना है और डिसाइड करना है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर उसके बाद है कि हमें जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है उसका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर लास्ट में है कि इसको हमें रिव्यू करना है और जहां पर जरूरत हो वहां पर इसको अपडेट करना है। तो इस प्रकार जो है ये रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स है। तो इसको आपको बारीकी से समझने के लिए इसको डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला हमने स्टेप देखा था कि किसी एक्टिविटी को कंसीडर करके हम उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हमारा पहला स्टेप हो जाता है। तो अब ये जो हजार्ड है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसमें हम जो भी वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो भी वर्क फोर्स है उसके साथ हम बात कर सकते हैं, नॉन इंस्पेक्शन जो भी टेक्निक्स है यानी कि जैसे जो टेक्निक्स है वो हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि कंबाइंड टेक्निक से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कंबाइंड टेक्निक्स यानी कि जो भी ऑडिट्स होता है तो उस ऑडिट की वजह से जो भी रिजल्ट्स निकलता है वो यानी कि कंबाइंड टेक्निक्स में आता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट का जो भी रिकॉर्ड रहता है उसमें से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद है कि नियर मिस रिपोर्ट से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। तो सेकंड स्टेप थी कि जो भी हजार्ड्स है जो हमने आइडेंटिफाई किया था तो उसकी वजह से कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको नुकसान हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को तो कंसीडर करना ही है कि उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन उनके अलावा आपको यंग जो पर्सन्स हो या फिर ट्रेनीज हो या फिर विजिटर्स हो या फिर नए या फिर एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हो या फिर क्लीनर्स हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो या फिर मेंबर ऑफ पब्लिक हो या फिर आपका जो वर्क प्लेस शेयर करते हैं वो आदमी हो, तो इनको भी जो है वो आपको कंसीडर करना होता है। चलिए अब जानते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो थी कि आपको यहाँ पर जो भी रिस्क है उसको इवैल्यूएट करना है और साथ ही में इसके लिए आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। तो इसमें है कि हर एक जो हजार्ड है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी वजह से क्या हार्म हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और इसकी मदद से जो है आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको जो रिस्क लेवल है उसको आपको कितना रिड्यूस करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ तक कि जब आप सारे प्रिकॉशंस ले लेते हो तब भी जो है कुछ ना कुछ जो रिस्क वहां पर है वो मौजूद रहती है, तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट हजार्ड है तो उसमें से जो भी बची हुई जो रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है, ये आपको वहां पर डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड करने के लिए आप रिस्क लेवल का यूज कर सकते हो। तो रिस्क लेवल यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी। तो ये रिस्क लेवल क्या होता है, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और सेवरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे में बात करने ही वाले हैं।
फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप था कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है जो हमने फाइंड आउट किए हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो रिस्क असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें आता है कि जो भी नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसकी एडिक्वेसी क्या है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और कोई भी जो नेसेसरी फर्दर प्रिकॉशंस है उसका भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो रिस्क असेसमेंट है ये सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जो वहां पर इन्वॉल्व है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कि आपको इसका रिव्यू करना है और जहां पर जरूरत हो वहां पर इसको अपडेट करना है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट है इसका आपको रिव्यू कब करना है, तो जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है या फिर इंसिडेंट होता है या फिर जो भी मटेरियल्स है उसमें अगर चेंजेस आते हैं या फिर लेजिस्लेशन में चेंजेस आते हैं या फिर जो भी क्लेम्स हो उसका कंपनसेशन हो या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें चेंजेस हो या फिर प्रीमाइसेस में चेंजेस हो या फिर जो भी वर्क पैटर्न है उसमें अगर चेंजेस हो या फिर जो भी इन्फोर्समेंट एक्शंस है उसमें चेंजेस हो या फिर अगर पॉलिसी को रिव्यू करना हो, तो इनमें से अगर कुछ भी अगर होता है तो उस वक्त जो है आपको इस रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है और अपडेट करना है। तो रिस्क मैट्रिक्स जानने से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क यानी कि होता क्या है। तो रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी, कई जगह पर इसको प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी कहते हैं तो कहीं पर इसको कहते हैं लाइकलीहुड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रिस्क यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट होने की कितनी संभावना है यानी कि उसका कितना चांस है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और सेवरिटी यानी कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी रिजल्ट होता है उसे सेवरिटी कहते हैं यानी कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है यानी कि वो उसके परिणाम है। आपके सामने ये एक रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें तीन कलर बताए गए हैं, फर्स्ट है ग्रीन, सेकेंड है येलो और थर्ड है रेड। अब ये तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को यानी कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है, और येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम रिस्क को यानी कि वो जो रिस्क है वो टॉलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटी के लिए, और थर्ड है रेड कलर यानी कि हाई रिस्क यानी कि ये जो रिस्क है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिस्क यानी कि क्या होता है, सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेवरिटी कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये आपको सहायता करेगा। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक कोई एक्टिविटी की जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। चलिए कंसीडर करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस है वो मेसनरी का काम कर रहे हैं, वो भी हाइट पर। अब ये जो चार मेसन है वो 10 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं और वो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ दूसरी टीम जो है वही काम कर रही है मेसनरी वर्क का लेकिन 3 मीटर की हाइट पर कर रही है। अब इसमें देखिए कि जो 10 मीटर पे काम कर रहे हैं चार लोग और यहाँ पर जो है 3 मीटर पर काम कर रहे हैं, अब इन दोनों में जो रिस्क लेवल है वो कम ज़्यादा है। जैसे कि जो 10 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क में है और जो 3 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा कम रिस्क में है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहली जो टीम है जो 10 मीटर पर काम कर रही है उसका जो सेवरिटी रेट है वो एक तो हाई होगा, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसमें जो है उनको काफ़ी इंजुरी हो सकती है और शायद हो सकता है कि फटल एक्सीडेंट भी हो। लेकिन जो टीम 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है वो अगर नीचे गिरेगी तो हो सकता है कि उनको चोट ना लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो उनको इंजुरी हो रही है वो कम मात्रा में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो टीम है, जो टीम ए है जो 10 मीटर पर काम कर रही है, उसकी सबसे पहले हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसकी जो सेवरिटी रेट जो हो जाएगा, जब वो आदमी नीचे गिरेगा तो उसका फटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 5, यानी कि उसकी जो सेवरिटी आएगी वो रहेगी 5। और फिर अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब उसका चांस कितना है। अब देखिए चांस कितना है यानी कि हमें ये कंसिडर करना है कि वहाँ पर अगर मान लो कि 10 मीटर हाइट पर वहाँ पर मिडरेल नहीं है, टॉप रेल नहीं है, और उसने जो हार्नेस है वो पहना है लेकिन कहीं पर एंकर नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उसकी नीचे गिरने में। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5,
यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए यहाँ पर कितना है, वो रेड में है, यानी कि इसका जो रिस्क लेवल है वो रेड है, यानी कि वो हाई है। अब कंसिडर करते हैं टीम बी। अब टीम बी देखिए वो 3 मीटर पर काम कर रही है, यानी कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है, यानी कि उसको चोट नहीं भी पहुंच सकती है या फिर उसको इंजुरी अगर होती है तो वो कम हो सकती है। तो उसका जो रेशो है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर 2, यानी कि उसकी सेवरिटी कितनी आएगी 2। अब उसकी देखना है हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ये कितना चांस है उसको नीचे गिरने का। अब देखिए कि ये 3 मीटर की हाइट पर जब वो काम कर रहे हैं, तो मान लो वहाँ पर मिड रेल है, टॉप रेल है, और उसने बाकायदा जो है अपना फुल बॉडी हार्नेस एंकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रेलिंग के साथ टकराएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 यानी कि ग्रीन। सो ग्रीन जो है वो उसकी रिस्क लेवल जो है वो लो है। चलिए अब देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट को कैसे बनाना है और उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले एक्टिविटी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कंसीडर करने के बाद हमें उसका जो हजार्ड है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हजार्ड, फिर ये जो हजार्ड फाइंड आउट करने के बाद उसमें क्या रिस्क है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिस्क, फिर उसके बाद ये जो हमने एक्टिविटी ली है उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल है वो हमें इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी रेटिंग जो हमने इसके पहले देखा था, फिर है सेवरिटी रेटिंग, और फिर जो इन दोनों का जो इम्पैक्ट लेवल है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, ये जो लेवल है वो हमें इसमें लिखना पड़ता है, यानी कि उसके बाद आ गया आपका इम्पैक्ट लेवल। फिर उसके बाद आता है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, इसके पहले जो हमने देखा था वो था एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, यानी कि कोई भी काम चालू करने से पहले आप कौन से कंट्रोल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स। और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी कि काम करने के वक्त आप कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज करते हो वो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में आता है। फिर उसके बाद आता है रेसिजुअल इम्पैक्ट, यानी कि इसके पहले जो हमने देखा था कि इम्पैक्ट लेवल जो है वो हाई आता है, मीडियम आता है, लो आता है, उसको जो है हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स देने के बाद में उसको लो कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो वो आएगा अपना रेसिजुअल इम्पैक्ट। अब ये जो रेसिजुअल इम्पैक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। जब हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर कंसिडर किए तो उसके बाद जो उसका रिस्क लेवल है वो कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा तो वो रेसिजुअल इम्पैक्ट में आएगा। और लास्ट में आता है एक्शन बाय, यानी कि वो जो एक्टिविटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका उसमें नाम आएगा, जैसे कि इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, तो ये एक्शन बाय में आएंगे। चलिए अब कंसीडर करते हैं एक एक्टिविटी और उसके अनुसार ये हीरा हम फिलअप करते हैं। अनलोडिंग फ्रॉम व्हीकल एंड स्टैकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, यानी कि मान लीजिए कि एक ट्रेलर के ऊपर जो है वो रेनफोर्समेंट स्टील है, और वो जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो आपको अनलोड करना है और बाकायदा उसको स्टैकिंग करना है, तो वो एक्टिविटी हमने सबसे पहले कंसीडर किया। अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हजार्ड आ सकता है। अब देखिए कि वो जो ट्रेलर है तो उसके साथ में अगर मान लो आजू बाजू में कोई अगर व्हीकल चलती रहती है तो क्या होगा कि जो व्हीकल मूवमेंट है वो एकदम रश हो जाएगी, तो रश व्हीकल मूवमेंट ये आपका हजार्ड आएगा। सेकंड आएगा कि जब आप ये व्हीकल रिवर्स करते हो तो वो भी एक हजार्ड आएगा, तो रिवर्सिंग ऑफ द व्हीकल ये एक हजार्ड आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि जो रेनफोर्समेंट स्टील बार है उसमें अगर मान लो शार्प एजेस है और वो जो अगर आप अनलोड कर रहे हो तो वो जो शार्प एज है वो भी एक हजार्ड है, तो यानी कि अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रीबार्स ये भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद आएगा कि मान लो आपने अनलोडिंग तो कर लिया लेकिन उसको प्रॉपरली स्टैक नहीं किया, यानी कि इम्प्रॉपर स्टैकिंग, तो वो भी एक हजार्ड है। अब देखिए कि पहले एक्टिविटी कंसिडर की, फिर हजार्ड, और हजार्ड के बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आएंगे, यानी कि कोई आदमी ऊपर में काम कर रहा है और वो नीचे गिर गया तो उसको इंजुरी हो गई, तो उसकी जो इंजुरी है वो पॉसिबल आउटकम में आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। तो सबसे पहले जो हमने हजार देखा था रश व्हीकल मूवमेंट, अब मान लो बहुत सारा रश हो गया तो उसमें क्या होगा कि जो भी वर्कमैन है उसको इंजुरी हो सकती है, यानी कि इंजुरी टू वर्कमैन, ये उसकी रिस्क आएगी, यानी कि वो उसका पॉसिबल आउटकम आएगा। फिर सेकंड हजार्ड हमने देखा था रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, रन ओवर ऑन वर्कमैन, यानी कि व्हीकल रिवर्स करते वक्त उसके अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं रहेगा तो वो जो वर्कमैन है वहां पर काम कर रहे उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा सकता है, तो वो एक उसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फिर थर्ड हमने हजार देखा था अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रीबार्स, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे कि कट इंजुरी हो सकती है, वो जो शार्प एज है उसकी वजह से कट इंजुरी हो सकती है।
फिर उसके बाद हमने हजार देखा था इम्प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि स्टैकिंग अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, ट्रिप और फॉल इंजुरी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर्स है या फिर जो भी ड्राइवर्स है वो बाकायदा उनके पास लाइसेंस होने चाहिए और उनके पास बाकायदा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। सेकंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल ये है कि जो भी व्हीकल्स है उसका जो रिवर्स हॉर्न है और जो टेल लाइट्स है वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। फिर थर्ड में आएगा कि सफिशियंट नंबर ऑफ जो भी स्किल वर्कमैन है उसे ही हमें डिप्लॉय करना है काम के लिए और उनको बाकायदा आपको पीपीस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हैंडग्लोव्स हो गए, ये सब उन वर्कर को देना है ताकि वो सेफली काम कर सके। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिबार्स है उसको हमें साइज वाइज जो है वो स्टैक करना है और साइज वाइज स्टैक करने के बाद वहां पर हमें साइनेज पोस्टेड करना है। अब मान लो वो जो रिबार्स है वो अगर मान लो बंडल में है तो आपको वो बंडल में ही अच्छे से पैकिंग करके रखने हैं ताकि उसकी वजह से आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। अब देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितनी आएगी। अब देखिए कि ये जो रश व्हीकल मूवमेंट है ये जो अपना हजार्ड है, यानी कि बहुत सारी अगर मान लो व्हीकल रश हो गया तो इसकी वजह से वर्कमैन को इंजुरी हो सकती है, तो ये जो इंजुरीज का इम्पैक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो उसका जो रेटिंग हम यहाँ पर लिखते हैं 4। फिर हमें देना है सेवरिटी रेटिंग। अब मान लीजिए ये जो व्हीकल रश हो रहा है जिसकी वजह से अगर मान लो वो किसी वर्कमैन को टकरा जाता है तो उसकी वजह से जो इंजुरी होगी वो ज़्यादा किस्म की होगी, यानी कि उसका सेवरिटी रेटिंग जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि हम यहाँ पर 5 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 20। अब ये जो 20 है वो अगर हम रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो आएगा हाई, यानी कि H, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे। वैसे ही देखते हैं कि सेकंड जो अपना हजार्ड है जहाँ पर वो व्हीकल को रिवर्स कर रहा है, उस हजार्ड में क्या होगा कि रिवर्स जब ले रहा है तो उसमें जो है उसकी रेटिंग ज़्यादा रहेगी, तो वो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर 4, और उसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो भी ज़्यादा आएगी तो हम कंसिडर करते हैं 5। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 20, इसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट लेवल रहेगा वो रहेगा हाई। अब देखते हैं कि तीसरे हजार्ड की रेटिंग हम कैसे देंगे। अब ये जो हजार्ड है अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रिबार्स, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई लेवल से कम हो सकती है, तो यहाँ पर हम जो है वो 3 कंसिडर करेंगे। वो भी देखिए कि उसकी जो सेवरिटी है वो इम्पैक्ट यानी कि कितना हो सकता है, उसको कट इंजुरी हो सकती है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, मतलब वहाँ पर डेथ एक्सीडेंट या फिर ऐसा वैसा कुछ हो नहीं सकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेटिंग देंगे 3। तो यानी कि 3 × 3 कितना हो गया, 9, यानी कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है वो आएगा मीडियम। अब देखती है कि हमारा 4 जो हजार्ड्स है उसकी रेटिंग हम कैसे देंगे। अब वो है इम्प्रॉपर स्टैकिंग। अब इम्प्रॉपर स्टैकिंग के बाद क्या होगा कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ट्रिप होना या फिर फॉल इंजुरी होना ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर फर्टल एक्सीडेंट या फिर मेजर एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो आएगा 3, और इसकी सेवरिटी रेटिंग भी कम हो जाएगी तो उसको भी हम लिखते हैं 3, यानी कि 3 × 3 कितना हो गया, 9, और ये आएगा मीडियम में। अब देखते हैं कि इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या दे सकते हैं। अब इसके एडिशनल कंट्रोल में ये कर सकते हैं कि जहाँ पर भी ये व्हीकल मूवमेंट होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा सकते हैं, और वो स्पीड लिमिट में हम बाकायदा 20 km/h लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी व्हीकल आएगी उनको पता चल जाएगा कि इस एरिया में जो है वो वर्कर काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 20 km है और इसको फॉलो करना है, और साथ ही में हम वहाँ पर वार्निंग साइनेजेस भी लगाएंगे। फिर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में क्या कर सकते हैं कि जब व्हीकल रिवर्स करते हैं उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि सेपरेट जो बैंक्समैन है वो हर एक व्हीकल को प्रोवाइड करा सकते हैं कि जब भी व्हीकल को रिवर्स करना है तो वो जो बैंक्समैन है बाकायदा फ्लैग के साथ में, जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग उसके साथ में रहेगा, तो उसकी वजह से वो व्हीकल को इशारा करेगा ताकि वो जो व्हीकल है वो सेफली पोजिशन की जा सके। फिर एडिशनल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिबार्स को अनलोड करना है जिसको शार्प एजेस है उसके लिए हम मशीनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर हम वर्कफोर्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब मशीनरी से अगर मान लो वो मटेरियल ट्रेलर से नीचे ले रहे हैं तो उसमें वर्कमैन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उसका जो रिस्क लेवल है वो हम कम कर सकते हैं। फिर और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टैकिंग यार्ड है जहाँ पर रेनफोर्समेंट स्टील बार को अनलोड किया जा रहा है वहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्सन्स को परमिशन नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए हम वो जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे अनऑथराइज्ड पर्सन्स के लिए। अब ये जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हमने जो सजेस्टेड किए हैं इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है ये कम हो जाएगा,
यानी कि जो हाई कैटेगरी का इम्पैक्ट लेवल था वो अब वो कम हो जाएगा, यानी कि वो लो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एल लिखेंगे। अब लास्ट में आता है एक्शन बाय। अब एक्शन बाय में लिखेंगे कि कौन सा पर्सन जो है वो इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यानी कि साइट इंजीनियर आएगा या फिर साइट इंचार्ज आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है रिस्क असेसमेंट को बनाया जाता है। हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी कंसीडर की और उसके मुताबिक रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिस्क असेसमेंट के बारे में। इसमें हमने जाना कि रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है, रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स क्या है, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है और रिस्क असेसमेंट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।